हेलो गाइस, मैं ललिता बर्मन एलबी बायोलॉजी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पढ़ा था फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पॉरीफेरा के हम कैरेक्टर्स को पढ़ चुके हैं, जो उससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। आज हम फाइलम पॉरीफेरा के दो एनिमल्स को पढ़ने वाले हैं। तो दो एनिमल्स में से फर्स्ट है आपके पास साइकन एंड सेकेंड है आपके पास ल्यूकोसलोनिया। तो आज हम पढ़ेंगे साइकन और कल पढ़ेंगे हम ल्यूकोसलोनिया। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट इसका फाइलम है, साइकन का फाइलम है पॉरीफेरा और इसकी क्लास है कलकेरिया और इसका ऑर्डर है हिटरोसिला और इसकी फैमिली है साइटेरिया और जीनस है इसका साइकन या साइफा। इसमें से एक क्वेश्चन भी बना था 2021 में। तो इसका क्वेश्चन ये था कि पॉरीफेरा किस क्लास का है। तो पॉरीफेरा किस क्लास का है, कलकेरिया का। यह आप क्वेश्चन आ जाए ऐसे कि साइकन की क्लास कौन सी है, तो साइकन की क्लास है कलकेरिया। तो इसमें क्लासिफिकेशन से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मेनली इनकी क्लास के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए आप जिसका भी पढ़ें, कोई से भी पार्ट का, तो आप इसकी क्लास ज़रूर पढ़ें क्योंकि इसमें क्लास से ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसकी क्लास क्या थी, कलकेरिया। अब इसके हैबिटेट और इसके हैबिट के बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि इससे भी पता होना चाहिए आपको कि साइकन कहाँ पाया जाता है और कैसे पाया जाता है। तो ये कहाँ है, साइकन एक मैराइन स्पॉन्ज होता है, यानी एक लवणीय है, या आप कह सकते हैं कि समुद्री जल में पाया जाता है, जो मैराइन वाटर के अंदर किसी रॉक के साथ अटैच रहता है। मीन्स ये समुद्री जल के अंदर किसी चट्टान पर चिपका रहता है साइकन। यह सिंगल और कॉनिकल दोनों फॉर्म में पाया जाता है। जैसे पूछ ले कि साइकन किस टाइप में पाया जाता है, तो यह सिंगल भी और कॉलोनी के रूप में भी, दोनों ही रूप में पाया जाता है। और साइकन की बॉडी का शेप कैसी होती है, कलश के आकार की होती है, जिस कारण इसे नॉर्मली यूरिन स्पॉन्ज भी कहते हैं। ये पूछ लेते हैं यूरिन स्पॉन्ज किसे कहते हैं, तो वो साइकन है। इसकी बॉडी के अगले सिरे पर स्पिक्यूल्स का एक समूह अरेंज होने के कारण इसे हम क्राउन स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्राउन स्पॉन्ज के नाम से भी जाना जाता है। और साइकन के पूरे संसार में 10 जातियां पाई जाती है, जिसमें से साइकन सिलिएटम सामान्य रूप से पाए जाने वाली स्पीसीज है। अब हम इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ लेते हैं कि ये देखने में कैसी है। ठीक है, साइकन की बॉडी एक्सट्रीमली 1 से 3 सेंटीमीटर लंबी और 5-6 सेंटीमीटर इसका डायमीटर वाली होती है। मीन्स 1 से 3 मीटर तो ये लंबी होती है और 5-6 सेंटीमीटर ये चौड़ी होती है। और अत्यधिक जातियों में बॉडी का रंग हल्के भूरे रंग का होता है और अदर स्पॉन्ज में सिमिलर साइकन की बॉडी के जो पोर्स होते हैं के फॉर्म में भी होती है। ठीक है, तो इसकी बॉडी की सतह पर पाए जाने वाले पोर्स नॉर्मली ऑस्ट्रिया होते हैं। जितने भी इसके साइकन के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहते हैं। बॉडी के एंटीरियर एंड पर एक बड़े आकार का पोर होता है जिसे हम ऑस्कुलम कहते हैं। और साइकन की बॉडी की सतह पर स्पाइंस के सिमिलर स्ट्रक्चर अरेंज रहते हैं जिन्हें हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। यह स्पिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा प्रसिद्ध कैलकेरियस स्पिक्यूल के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। पूछ लेते हैं कि जो साइकन के अंदर स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये कौन से फॉर्म में पाए जाते हैं, कैलकेरियस स्पिक्यूल के फॉर्म में पाए जाते हैं और बने किसके होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। और इनकी जो बॉडी सरफेस है, इनकी बॉडी सरफेस पर सिमिलर एंड स्मॉल साइज के स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, परंतु इसके ऑस्कुलम के चारों ओर लार्ज साइज के स्पिक्यूल अरेंज रहते हैं। इसका हम कैनाल सिस्टम पढ़ लेते हैं, कैनाल सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसके कैनाल सिस्टम में क्या है, कैनाल सिस्टम में इसके कि जो फाइलम पॉरीफेरा है अदर मेम्ब्रेन के सिमिलर साइकन की बॉडी में वाटर एंटर करने के लिए मैनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यह आपको पता होना चाहिए कि जो पॉरीफेरा है इसके जो मेंबर हैं उसमें सिमिलर साइकन की बॉडी में वाटर एंटर करने के लिए मैनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो डिफरेंट टाइप की ट्यूब्स से अटैच रहते हैं। और स्पॉन्ज के बॉडी में पाए जाने वाले पोर्स एंड कैनाल का स्पेशल अरेंजमेंट कैनाल सिस्टम कहलाता है। और साइकन की बॉडी में कॉम्प्लेक्स टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है जिसे हम
सेकंड टाइप कैनाल पहुँच पाया, जिसे हम सेकंड टाइप कैनाल सिस्टम कहते हैं, जिस कारण साइकन के एक साइकोनिडिस स्पंज भी होता है, साइकोनिडिस स्पंज भी होता है। और सेकंड टाइप कैनाल सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट फॉलोइंग टाइप से पाए जाते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, मेन उसमें ऊपर से इतना कुछ नहीं है जितना ही इससे पूछ लेते हैं कि कौन से डिफरेंट इसके पाए जाते हैं, कौन से नहीं पाए जाते इसमें, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपके पास है फर्स्ट डर्मिनल ऑस्ट्रिया। तो डर्मिनल ऑस्ट्रिया है कि साइकन के बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर बॉडी के वाटर एंटर करने के लिए माइनर स्पर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम ऑस्ट्रिया कहते हैं। तो ये पूछ लिया, अगर डर्मिनल ऑस्ट्रिया कहाँ पाया जाता है, तो ये साइकन के बॉडी के सरफेस में बॉडी में वाटर एंटर करने के लिए माइनर स्पर्स पाए जाते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा, ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया अपने आधार पर एक स्पेशल टाइप की कंट्रास्टाइल सेल्स की उपस्थिति के कारण ओपन एंड क्लोज हो जाती है, जिन सेल्स को हम मायोसाइट्स कहते हैं। क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि किसकी उपस्थिति के कारण हमारे पास डर्मल ऑस्ट्रिया बनता है, तो ये किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, कंट्रास्टाइल सेल्स की उपस्थिति के कारण। कौन से कंट्रास्टाइल सेल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है इसमें आपके पास इनकरंट कैनाल, ये साइकिन की बॉडी वॉल में कि फोल्ड हो जाने के कारण यह स्पेशल टाइप की कैनाल प्रोड्यूस होती है, जो ऑस्ट्रिया के साथ अटैच्ड रहती है, जिन्हें हम इनकरंट कैनाल कहते हैं। ये इसलिए बता रही हूँ मैं क्योंकि आपको पता होना चाहिए साइकिन के अंदर कौन सी कैनाल है और कौन कौन से अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें अंदर क्या क्या पाया जाता है, डर्मिनल ऑस्ट्रिया, इनकरंट कैनाल। नेक्स्ट है आपके पास में प्रोसोफाइल है, जो प्रोसोफाइल है आपके पास, ये प्रोसोफाइल इंटरसेलुलर स्पेस होती है, जो इनकरंट कैनाल एंड रेडियल कैनाल से अटैच रहती है। ये भी आया हुआ है कि प्रोसोफाइल किस में पाया जाता है, तो प्रोसोफाइल किस में पाया जाता है आपके पास, साइकन के अंदर, इसलिए अलग अलग हुआ है। तो नेक्स्ट आपके पास रेडियल कैनाल, बॉडी वॉल के फोल्ड हो जाने के कारण प्रोड्यूस होने के वाले माइनूट चैम्बर साइकन की बॉडी वॉल पर इनकरंट कैनाल के रूप में अरेंज रहते हैं, जिसके द्वारा बॉडी के अंदर भी माइनूट चैम्बर डेवलप होते हैं, जिन्हें हम रेडियल कैनाल कहते हैं। और प्रत्येक रेडियल कैनाल चारों ओर से इनकरंट कैनाल द्वारा घिरी रहती है। सामान्यतः प्रत्येक रेडियल कैनाल का एक्सटर्नल एंड ब्लाइंड हो जाता है, तथा इंटरनल एंड बॉडी कैविटी में ओपन हो जाते हैं, जिसे हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। और रेडियल कैनाल में स्पॉन्जोसील में खुलने वाली ओपनिंग एपोफाइल कहलाती है। ये भी पूछा चल लिया जाता है कि स्पॉन्जोसील किस में पाया जाता है, तो स्पॉन्जोसील किस में पाया जाता है, साइकन के अंदर। तो अभी हमने तीन चार पढ़ी, इसकी कौन कौन सी पढ़ी है आपने वो आपको बताइएगा। फर्स्ट इसकी डर्मिनल ऑस्ट्रिया, सेकंड इसकी आपने पढ़ी इनकरंट कैनाल, थर्ड आपने पढ़ी इसकी प्रोसोफाइल, और फोर्थ आपकी इसने रेडियल कैनाल। ये जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्पॉन्जोसील, तो स्पॉन्जोसील से भी क्वेश्चन बना है कि स्पॉन्जोसील किस में पाई जाती है, तो स्पॉन्जोसील आपकी साइकन के अंदर पाई जाती है। तो साइकन की बॉडी के भीतर पाए जाने वाली लार्ज शेप की सेंट्रल कैविटी नॉर्मली स्पॉन्जोसील कहलाती है। इसका अपर एंड एक बड़ी ओपनिंग के रूप में था, जिसे ऑस्कुलम कहते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं आपको इतना डिटेल में क्यों पढ़ा रही हूँ, कि आपको वन वर्ड के क्वेश्चन देने चाहिए थे, पर इनके अंदर से भी बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन भी निकल के आ जाते हैं, इसलिए हमें डीपली पढ़ना होगा। इसलिए मेरे जितने भी नोट्स हैं सारे के सारे ये आपको डीपली ही मिलेंगे। वन लाइनर के मैंने अभी नहीं बनाए हैं, पर मैं आपके आगे बना सकती हूँ, पर वन लाइनर्स का आपको बेनिफिट नहीं होने वाला, क्योंकि वो सीधे सीधे क्वेश्चन ही थोड़ा सा अंदर से भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। जैसे पाथवे ऑफ वाटर कैनाल, पाथवे ऑफ वाटर कैनाल है इसका, साइकन की कैनाल सिस्टम में बॉडी के अंदर वाटरफॉल और रेडियल कैनाल के सरफेस में पाई जाने वाली कॉलर सेल के फ्लैजेला में लगातार मूवमेंट के कारण यह एक डायरेक्शन में होता है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा वाटर एंटर करके इंटर कैनाल में पहुंचता था, इसके पोर्स द्वारा रेडियल कैनाल में पहुंचकर अपोफाइल की सहायता से स्पंजोसील से यह वाटर ऑस्कुलम की सहायता से बॉडी में बाहर रिलीज हो जाता है। तो इसका आपको है ना, इसमें ये पता होना चाहिए कि इसका वाटर
वाटर कैनाल का सिस्टम कैसे है, क्योंकि वाटर कैनाल के सिस्टम को भी एक बार दिया गया है कि इसमें चूज़ करके बताना है आपको ऑप्शनल में कि कोई इसका सिस्टम कैसा है। तो फर्स्ट है इसकी, पहले जलधारा है, जलधारा अंदर को और क्या करती है ओस्टे से होती हुई अंतरी नालों में, और फिर इसके आगमन द्वारा ये है और ये नालों में, और इसके बाद ये ऑस्कुलम से होती हुई जलधारा के बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये तो था इसका वाटर कैनाल सिस्टम। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली, तो इसमें डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यूप्लेक्टेला, कि आपके यूप्लेक्टेला है कि ये किसे कहा जाता है, तो वीनस के फूलों की टोकरी को हम यूप्लेक्टेला कहते हैं। हाइलोनिमा किसे कहते हैं, जो कांच की रस्सी की रूपी स्पंज होती है उसे हम हाइलोनिमा कहते हैं। यूस्पॉन्जिया ये एक बाथ स्पंज होता है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि बाथ स्पंज कौन सा था, यू स्पंज क्या है, एक बाथ स्पंज है। नेक्स्ट आपके पास क्लाइना, ये क्या है, बोरिंग स्पंज, और आपका क्लाइना है मरमेड के दस्ताने हैं, और आपकी हिपोस्पंज या अश्व स्पंज है। नेक्स्ट प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की है कि इसमें से सारे क्वेश्चन बन जाए, जितने इसमें दो चार क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से वो मैंने आपको बता दिया है। तो साइकिल में से मोस्टली इसमें दो तीन क्वेश्चन ही पूछे गए हैं अब तक कि इसकी क्लास कौन सी है और ये कहाँ पाया जाता है, इसमें स्पॉन्जर सेल कौन सी है, इसकी जो कैनाल सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या पाए गए हैं। तो पाँच चीज़ें वो आपको बताई दी है कि इसमें टर्मिनल ऑस्ट्रिया, प्रोसोफाइल है, इंटर